हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू एजुकेशन मैथमेटिक्स। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास एट का एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं क्या है। रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। बच्चों, नंबर लाइन पे इस नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है, और हमने प्रीवियस क्लासेस में ये सीख चुके हैं कि नंबर लाइन पे नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये एक मैंने ले लिया नंबर लाइन, और 7/4 को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हमें मालूम है कि हम मिडिल में 0 लेते हैं, उसके राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, और लेफ्ट साइड में कौन से नंबर लेते हैं, हम नेगेटिव नंबर्स लेते हैं। और इस एरो का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ये फर्दर एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि अगर नंबर बड़ा होगा तो हम इसको और बढ़ा सकते हैं। तो यहां पर देखिए जरा 6, देखिए हमें तो 7 चाहिए यहां पर, तो मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूं। ये मैंने कर लिया 7 और एक को ले ले रहा हूं 8। अब जरा देखिए अपॉन में क्या है बच्चों, अपॉन में 4 है, तो मैं क्या करूं, सबके अपॉन में 4 कर दूं, इसके अपॉन में 4, इसके अपॉन में 4, इसके अपॉन में 4, ऐसे यहां पर 0 के अपॉन में 4 करोगे तो 0 ही होगा, इसके अपॉन में 4, इसके अपॉन में 4, इसके अपॉन में 4, इसके अपॉन में 4, सबके अपॉन में हमने क्या कर दिया, 4 कर दिया। अब जरा देखिए यहां पर ये 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, कैंसिल करके 1 लिख सकता हूं। ऐसे ही 8/4 को 4 2 8, तो इस पूरे को कैंसिल करके क्या लिख सकता हूं बच्चों, में 2 लिख सकता हूं। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, 7/4। तो जरा कहां दिख रहा है 7/4, ये दिख रहा है, तो ये रहा हमारा 7/4, बस ये नंबर हमारा रिप्रेजेंट हो गया। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछे कि 7/4 किन नंबर्स के बीच में आएगा, तो 1 और 2 के बीच में 7/4 आएगा। वैसे भी हम निकाल सकते हैं डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं, 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 बन जा 4, यानी बचा कितना 3, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर यहां पर 0 आएगा, फिर हम क्या करेंगे 4 7 20, फिर यहां पर 2 बचा, फिर यहां पर 0 लेंगे, फिर 4 5 20, तो आप देख सकते हैं कि 1.75 मतलब 1 और 2 के बीच में आएगा। तो वही तो हमने किया कि 1 और 2 के बीच में 7/4 को रिप्रेजेंट किया है, तो ये हमारा क्या हो गया, 7/4 रिप्रेजेंट हो गया। हमें ये सब नहीं करना है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था, हमें ये 7/4 को रिप्रेजेंट करना था, और ये हमारा 7/4 रिप्रेजेंट हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है एनसीईआरटी का। तो रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। तो इनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब सभी नंबर यहां पर माइनस के हैं, तो मैं 0 यहां ले लेता हूं, 0 इस तरफ, राइट साइड कौन से होते हैं, पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर, कहां तक लेना है हमको 9। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, और एक और ज्यादा ले लेते हैं हम यहां -10। अब देखिए सबके अपॉन में सेम है 11 11 11, तो सबके अपॉन में हम 11 कर दें, ये अपॉन में 11, अपॉन में 11, 11 सबके अपॉन में हम क्या कर देते हैं, 11 कर देते हैं। तो मैंने ये सबके अपॉन में क्या कर दिया, 11 कर दिया। अब हमें सिंपल नंबर ड्रॉ करने हैं, यहां पर 2/11, तो ये रहा हमारा 2/11, 5/11 माइनस का, तो ये 5 माइनस का 5/11 माइनस का 9/11, तो ये तीनों नंबर हमारे ड्रॉ यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गए। तो इस तरीके से हम सभी नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, राइट 5 रैशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2। 2 से स्मॉल हमें 5 रैशनल नंबर यहां पर बताने हैं। तो 2 से स्मॉल आप जानते हैं, 2 से स्मॉल क्या होता है, 1 होता है, 1 से स्मॉल 0 होता है, तो ये सभी रैशनल नंबर्स हमारे हो जाएंगे। लेकिन हम फ्रैक्शन में ले लेते हैं, जैसे कि -1/2 हो गया, -3/2 हो गया, -4/2 हो गया, -5/2 हो गया, या 1/2 हो गया। देखिए कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5, 5 नंबर हो गए स्मॉलर देन। अगर ये समझ में नहीं आया तो दूसरी मेथड से हम निकालें। चलिए स्मॉलर देन 2 निकालना है। क्या मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, 2s 2, या 2 के इक्वल टू करके बता देता हूं, 2 को 12/6 लिख सकता हूं क्या भाई, 6 1 6 6 2 12, डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा। तो 2 को मैंने लिखा 6/12/6। अब 12/6 से छोटे नंबर कौन कौन से होते हैं, 11/6, 10/6, 9/6, 8/6, 7/6, 5 ही नंबर तो बताने हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं। हमें क्या करना है, 2 से जो है स्मॉलर नंबर बताने हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर चलते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से देखेंगे इसको हम। राइट 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। 2/5 और 1/2 के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो जरा देख लिखते हैं हम -2/5 और क्या है हमारा 1/2, इनके बीच के हमें 10 रैशनल नंबर लिखने हैं। अब पहले हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसके डेनोमिनेटर सेम नहीं है तो इनको सेम करते हैं। तो मैं क्या करूं, इस 5 का इंटू इसमें कर दूं पूरे में और 2 का इंटू इस पूरे में कर दूं, यानी कि एक प्रकार से क्या कर रहा है एलसीएम दे रहा है। 5 और 2 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों 10। तो मैं इसको 10 बनाने के लिए क्या करूंगा, इसमें 5 का इंटू करूंगा और इसमें 2 का इंटू करूंगा। तो चलिए करते हैं, इस 1/2 को मैं लिख लेता हूं नीचे। अब इसमें किसका करना है 2 का, तो मैंने इस पूरे में ऊपर नीचे 2 का इंटू कर दिया। तो ये क्या हो गया 2 2 4 और नीचे 2 5 10। ऐसे यहां पर मैं किसका इंटू कर दूंगा 5 का, तो ऊपर 5 का और नीचे 5 का, यानी कि ऊपर 5 बन जा 5 नीचे 2 5 10। हमें कितने नंबर बताने बच्चों 10 बताने। -4 से +5 के बीच में 10 नंबर होते हैं क्या? नहीं होते, नहीं होते, करके देख लीजिए नहीं होते। -4 के बीच में क्या आएगा -3/10 और क्या आएगा -2/10 और क्या आएगा -1/10 और क्या आएगा 0, फिर 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। कितने नंबर हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही नंबर हो रहे हैं। हमें तो कितने बताने बच्चों 10 बताने। तो हम क्या करें, हम इसमें और 2 का इंटू कर दें, इधर भी ऊपर 2 का, इधर भी 2 का, यहां भी ऊपर 2 का, नीचे भी 2 का। अब जरा देखिए ये नंबर क्या बन गया 2 8 2 4 8, माइनस का साइन, नीचे 2 10 20, और ऐसे यहां पर 5 2 10 और ये भी नीचे 20। तो डेनोमिनेटर भी सेम है और नंबर भी हमारे बड़े हो गए, तो यहां से हम 10 नंबर लिख सकते हैं। -8 और 10 के बीच में कौन से नंबर होंगे बच्चों -7/20, फिर -6/20, फिर -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, सॉरी 10 लिख दिया मैंने, -1/20, 0, 1/20, 2/20, 3/20, कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 कर दिया हमने। तो एक को बिठा देते हैं यहां पर, तो ये हमारे रहे 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके डेनोमिनेटर सेम करने पर बीच में नंबर नहीं है तो आप बड़ी डिजिट से इंटू कर सकते हैं। अगर हमसे 20 नंबर पूछे होते तो हम यहाँ पर 3 3 से इंटू कर देते, 30 पूछे होते तो 4 4 से कर देते। जितने ज्यादा नंबर चाहिए उतनी बड़ी डिजिट से हम यहाँ पर इंटू कर सकते हैं। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फाइव सेम अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर फोर में किया वो यहाँ पर हमें करना है। राइट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2/3 और क्या है हमारा 4/5, इनके बीच में हमें कितने नंबर बताने हैं 5 रैशनल नंबर बताने। तो जरा इनका डेनोमिनेटर को सेम कर लें, यहाँ पर इसका डेनोमिनेटर क्या है 5, तो यहाँ मैं पूरे में ऊपर नीचे किससे इंटू कर दे रहा हूँ 5 से इंटू कर दे रहा हूँ और इसके डेनोमिनेटर से यहाँ पर इंटू कर दे रहा हूँ। ये क्या हो गया 10/15 और ये क्या हो गया 4 3 12/15, डेनोमिनेटर सेम हो गया। अब हमें नंबर कितने बताने 5 बताने, तो 10 से 12 के बीच में 5 नंबर होते हैं क्या? नहीं होते। तो हम क्या करेंगे इसमें 2 का इंटू करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा 24 और 20 और 24 में 5 नंबर नहीं होते, तो हम किसका इंटू कर दें 3 3 का कर दें। तो मैंने यहाँ पर ऊपर नीचे 3 का इंटू कर दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा ये 30/35 हो जाएगा और यहाँ पर ये 36/45 हो जाएगा। अब इनके बीच में हमें नंबर मिल जाएंगे, क्या क्या नंबर होता है 30 के बाद 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 और एक और 35/45। तो ये 1 2 3 4 5 और हमें 5 रैशनल नंबर यहां पर निकालने थे। तो बच्चों ये रहा हमारा एक्सरसाइज 1.2 क्लास 8 चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहां पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये सभी क्लियर होंगे। अगर इनके बीच में आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।